राफेल तैयारा सौदे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रस्साकशी जारी है। कांग्रेसी सदर राहुल गांधी और कांग्रेसी लीडरान राफेल मामले को लेकर आए दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कई संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के लीडरान की जानिब से उन इल्जाम की तरदीद की जाती है या नफी की जाती है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हर मामले में फरीक सालिस को लाना यह कांग्रेस पार्टी की कदीम रिवायत रही है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा के करीबी दोस्त संजय भंडारी के मकान में कांग्रेस के दौरे इकतदार में हुए राफेल तैयारा मामले से जुड़े कागजात क्यों बरामद हुए। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि कांग्रेस के दौरे इकतदार में मुल्क के सलामती के मामले में हुई खामियों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुरुस्त कर रहे हैं। हर सौदे में बिचौलिया रखना यह कांग्रेस की संस्कृति है। मोदी सरकार ने एक प्रामाणिकता की पहल करके सरकार से ही समझौता किया है और देश के सुरक्षा के साथ जो गड़बड़ हुई कांग्रेस के ज़माने में वो दुरुस्त कर रहे हैं। हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, अब इसका जवाब पहले राहुल दे फिर बाद में दूसरा बात करें कि दामाद जी के मित्र संजय भंडारी के घर कांग्रेस के ज़माने के राफेल डील के सारे कागजात कैसे मिलते हैं ये पहले वो बता दे। रेड में उस समय जब राफेल डील रोका गया कांग्रेस की तरफ से तब के जो सारे कागज है वो मिले, वो कैसे मिले इसका पहले जवाब दे। दूसरों पर सूरज पर थूकने से कुछ काम नहीं होगा, जो कालिक लगाने की कोशिश करते उनके ही चेहरे काले हो जाते हैं और जनता सच क्या है समझती है। और हमारे सरकार की विश्वसनीयता है कि 4.5 साल में भ्रष्टाचार की एक आरोप नहीं कर पाए विपक्षी दल, इसलिए आज वो इस तरह के अनर्गल आरोप और झूठे आरोप कर रहे हैं जिसका ना कोई तुक है और जिसको कोई विश्वास भी नहीं करता।